बच्चों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि कल शाम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम चरण का जो सीट आवंटन है वो किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद सर्वर बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, इरर आ रहा है बार बार चेक करने पे। तो आप सभी बच्चों को मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी, सर्वर इरर आ रहा है फिर भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना होगा, और गूगल पे जाने के बाद जो IGKVAC.in का जो हमारा साइड है वहां पे HTTPS लिखाता है, तो लास्ट में जो एस लिखाता है उसे हम कट कर देंगे, सिर्फ HTTP लिखेंगे और आगे फिर IGKV.AC.in ये हम सर्च करेंगे तो हमारा जो साइट है वो खुल जाएगा। और जैसे ही हमारा साइट खुलेगा फिर हमें एडमिशन वाले फोल्डर पे जाना है, और एडमिशन में जब हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यूजी का, पीजी का, पीएचडी का, हमारे पास जो दिखाता है जैसे यूजी का दिखा रहा है एडमिशन 2021-22, तो यूजी को जैसे ही हम लोग आगे पीएटी, बीएससी एजी हॉनर्स, बीएससी हॉर्टिकल्चर हॉनर्स, बीएससी फॉरेस्ट्री हॉनर्स सर्च करेंगे तो फिर हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही लॉगिन का ऑप्शन आएगा फिर हमारे पास जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए बोलेगा, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये हमें डालना होगा। और ये जैसे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ और पासवर्ड फिर हम लोग डाल देंगे, और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डालेंगे, और नीचे फिर जो कैप्चर करने का जो दिया हुआ है इसे भी डाल देंगे, ये सारा डिटेल हम लोग फटाफट डाल देंगे। और उसके बाद जो हमारा ओटीपी आएगा तो ये ओटीपी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक वो डल जाएगा, उसी में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एक बार बताना हो डालना होगा यहाँ पे। और जैसे ही ओटीपी आएगा, जैसे कि आप देख देख रहे हैं कि ओटीपी आ चुका है, और जैसे ही ओटीपी हमारे पास आया है फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है इसमें जाएंगे, या फिर सीट कंफर्मेशन है हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे होम दिखा है, डाउनलोड एडमिशन स्लिप लिखा हुआ है, और पेमेंट स्टेटस। तो सबसे पहले हमको सीट कंफर्मेशन में जाना है, और सीट कंफर्मेशन में जा करके यहाँ पे सारा बेसिक डिटेल जो है वो सारा चीज देखेंगे, जैसे बच्ची का सारा डिटेल हमें दिख रहा है। और ये दिखने के बाद देखिएगा, कल जो मैं आप लोगों को बता रहा था कंफर्मेशन कंफर्म एलॉटेड जो सीट लिखा है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सीट को कंफर्म करेंगे, जैसे इस बच्ची को मिला है छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भिलाई दुर्ग प्राइवेट का, जो पहले नंबर का जो कॉलेज मिला था इसका रैंक चूंकि ज्यादा आया हुआ था इसलिए प्राइवेट का जो भिलाई कॉलेज है वो मिला हुआ है। तो सबसे पहले हमें सीट को तो यहाँ पे कन्फर्म करना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोग सीट कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे आर यू सोर करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ओके कर देंगे, और जैसे ओके करेंगे हमारा देखिएगा यहाँ पे सीट कंफर्मेशन लेटर जो है वो ओके हो जाएगा। और जैसे ही हमारा सीट कंफर्मेशन ओके होगा तो यहाँ पे हम लोग फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए ये जो पेज है डिटेल है सारा चीज दिखा रहा है कि हमको वेरिफिकेशन कराने के लिए कब जाना है वो भी सब इसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंफर्म किए हैं, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल में कब कब जाना है वो सब लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में न्यू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर IGKV रायपुर लिखा है, डीवीसी डेट लिखा है 1 दिसंबर 2021 8 बजे से, डीवीसी डेट 4 दिसंबर 2021 5 बजे तक का। उसके बाद नीचे देखिए लिखा है यू हैव टू अपियर ऑन द डेट, मतलब इस दिन के लिए आप एलिजिबल है, मतलब इस गुड़िया को 3 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रायपुर सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में उपस्थित होना होगा। तो इस बीच में 3 तारीख को डेट को बच्ची को जाना होगा, तो जैसे ही आपको 1 से 4 के बीच में आपका डेट नीचे स्पेशल लिखा रहेगा कि आपको DVC कराने के लिए रायपुर कब जाना है और उसी डेट पर आपको जाना होगा। फिर लिखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर DVC, 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, CG डोमिसाइल, PAT, इसके अलावा कोई बच्चे अगर कास्ट में आते हैं तो उसका कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद नीचे देखिएगा प्रिंट कंफर्मेशन लेटर लिखा है, तो प्रिंट कंफर्मेशन लेटर को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे प्रिंट करने का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, और ये जो DVC वाला जो पेज है इस पेज को लेकर के हमें रायपुर जाना होगा। और रायपुर जब हम इस पेज को लेकर के जाएंगे और इसके साथ साथ जो सारा डॉक्यूमेंट्स जो हमारा लिस्ट में लिखा हुआ है ये ओरिजिनल और सबका एक एक सेट फोटोकॉपी, कम से कम दो दो सेट फोटोकॉपी लेकर के आप जाइएगा, जैसे सीट आपका कंफर्म होगा वहां डॉक्यूमेंट आपका कंफर्म पाया जाएगा। उसके बाद आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर जैसे ही फीस पेमेंट करेंगे फिर आपके पास फ्रिज और फ्लोर का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बारे में बाद में आपको वीडियो के बारे में बताऊंगा। सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस बच्चे का हम लोग ऑलरेडी पहले से
सीट को कंफर्म कर चुके हैं, तो हमारा जो सारा जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक देखिए ओपन होने जा रहा है। ये ऑटोमेटिक देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारा एंट्रेंस एग्जाम, एकेडमिक सीजन सारा चीज लिखा है, हमारा नाम डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद हमको देखिए नीचे लिखा है सीट कन्फर्मेशन डिटेल में अलॉटेड कॉलेज करके लिखा है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर गवर्नमेंट। जैसे हमें इस बच्ची को देखिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज रायपुर मिला हुआ है, और अलॉटेड डिग्री प्रोग्राम में देखिए बीएससी एग्रीकल्चर मिला हुआ है, और कॉलेज प्रेफरेंस नंबर पहले नंबर पे जो कॉलेज डाली थी वही मिल गया है इनको, और अलॉटेड कैटेगरी में ओसी का मिला है, सामान्य का सीट मिला हुआ है, और अलॉटेड क्लास में ये जो है सामान्य की सीट उठाई है वो मिला हुआ है। फिर आगे देखिए यहाँ पे सीट अलॉटेड डेट लिखा हुआ है कि 30 नवंबर 2021 को इनको सीट मिला हुआ है। उसके बाद सीट कंफर्मेशन, सीट कंफर्म करने का डेट इनको 30 नवंबर 2021 को था, लेकिन कई बच्चे कंफर्म नहीं कर पाए हैं सर्वर एरर की वजह से, आज भी वो कंफर्म कर सकते हैं। और सीट कंफर्मेशन स्टेटस वो स्टूडेंट के द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा है कंफर्म बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किया जा चुका है। आगे फिर हम लोग देखेंगे डीवीसी लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे डीएससी डीवीसी जो वेन्यू है वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर में इनका जो डीवीसी होगा, और डीवीसी कराने का जो डेट दिया है वो 1 दिसंबर 2021 को सुबह 8 बजे आपको बच्चों को पहुंच जाना है। 8 बजे से 12 बजे अपना डिटेल वहां पे जमा करना है, उपस्थिति होने का वहां पे डिटेल देना है। उसके बाद आपका डीवीसी होगा 4 दिसंबर तक का, डीवीसी डेट टू लिखा है वो 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में कभी भी आपका हो जाएगा। तो स्पेशली 4 दिसंबर तक का डीवीसी डेट है, और 1 दिसंबर से स्टार्ट है, 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में कभी भी आप जा करके डीवीसी करा सकते हैं। लेकिन नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा है हर रैंक का अलग अलग डेट दिया है, क्योंकि चूंकि सारे बच्चे अगर एक साथ जाते हैं तो उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा, और कोरोना काल को देखते हुए बच्चों की प्रायोरिटी दिया गया कि 500 से 600 रैंक तक का पहले दिन, फिर 600 से 1000-1200 रैंक तक का दूसरा दिन, फिर 1000 से 2000 रैंक तक का तीसरा दिन, फिर 2000 के बाद वाले रैंक को तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसा करके एक डेट दिया हुआ है। तो बच्चे को डेट मिला है यू हैव टू अपियर ऑन द डेट 1 दिसंबर 2021 को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का डीवीसी का डेट दिया गया है। नोट में लिखा है उसको भी अच्छे से पढ़िएगा सब लोग, प्लीज स्टिक टू द डेट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब इस डेट में आपको जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना होगा, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट जब हम वेरिफिकेशन कराने के लिए रायपुर जाएंगे तो हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा, तो इसके लिए देखिएगा 10th रिजल्ट लगेगा, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, पीएटी का मार्कशीट जो हमारा रैंक आया था वो वाला, और सीजी डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो, ये चारों सर्टिफिकेट को आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा 3-4 फोटो रखे रहिएगा अपने साथ में, और आपका जो अभी डीवीसी का जो पेज मिलेगा ये पेज को साथ में आप लेकर के जाइएगा IGKV रायपुर। और अगर कोई बच्चे ओबीसी एसटीएससी में आते हैं तो अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो आमदनी सर्टिफिकेट है वो सब साथ में भी लेकर के जाइएगा। आगे डिक्लेरेशन में देखिएगा लिखा है कि मैं सुनिश्चित करता हूं कि आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूं एवं अगले चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता हूं। मैं यह भी सुनिश्चित करता हूं कि यदि मैं सीट सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगा तो मुझे वर्तमान में आवंटित सीट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए सारे बच्चे डीवीसी जरूर कराएं अगर आपको सीट चाहिए तो। अब यहाँ पे ये हमारा सीट कंफर्मेशन था कि देखिए हम यहाँ पे सीट कंफर्म हो चुका है। अब फिर हम आगे जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में देखेंगे। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग अप्लाई में दिया पहला एडिट काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, और देखिएगा काउंसलिंग एप्लीकेशन प्रिंट कि आपके पास जो ये डिक्लेरेशन आता है वो डिक्लेरेशन आएगा, और जैसे डिक्लेरेशन आएगा आप डिक्लेरेशन में या सीट को कंफर्म करेंगे, उसके बाद इस प्रकार का आपको पेज मिलेगा। और जैसे ही आपको ये पेज मिलेगा आप यहां से आपके पास पीडीएफ, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, यहां पे आपको पीडीएफ बनाने का एक ऑप्शन आएगा, यहां से आप पीडीएफ बना करके इस पेज को प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद जिस डेट पे आपको मिला है कि आपको डीवीसी कराने के लिए उस डेट पे रायपुर जाना होगा, तो रायपुर जाना आपको इस डेट पे पड़ेगा जो डेट आपका लिखा हुआ है। तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, जिस बच्चे का आज का डेट दिया है वो बच्चे आज जाएंगे, जिनको कल का डेट मिला है वो कल जाएंगे। इसलिए सभी बच्चे फटाफट अपना रिजल्ट एक बार चेक करिए कि आपको कहाँ जाना है डीवीसी कराने के लिए, कब जाना है, और वो चीज देखने के बाद आप उस पेज को लेकर के डीवीसी कराने रायपुर जाएंगे।
और उसके बाद दूसरा चीज मैं एक बता रहा था आप लोगों को कि फिश पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन पूछेगा, तो अभी वो चीज नहीं पूछ रहा है, अभी सिर्फ आपका डीवीसी कराने का पूछ रहा है। तो सबसे पहले सभी बच्चे डीवीसी कराइए, जैसे ही आपका डीवीसी कराएंगे सीट कंफर्म होगा, उसके बाद आपको फिर फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, फिर आप रायपुर में रहकर ही या जहां से चाहे वहां से आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा, और जैसे ही फीस पेमेंट करेंगे उसके बाद आपका फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आएगा। तो आज ये बच्ची जा रही है रायपुर अपना डीवीसी कराने के लिए, और जैसे इनका डीवीसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कल मैं फिर वीडियो बनाऊंगा इसका फीस पेमेंट करते हुए, और जैसे ही इसका फीस हम लोग पेमेंट करेंगे उसके बाद फिर फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आएगा, तो उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल एक बार जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले सारे बच्चे अपना सीट कन्फर्मेशन जो लेटर है वो डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड कैसे करना है तो igkv.ac.in का जो साइट है उसके आगे https लिखाता है, तो s को डिलीट करके सिर्फ https सर्च करिएगा तो आपका ये डिटेल आ जाएगा, और जैसे ही ये फर्स्ट काउंसलिंग में आप जाएंगे आपको सारा डिटेल दिखाएगा, वहां पे आप सीट को कंफर्म करेंगे तो आपका ये जो पीडीएफ सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पीडीएफ आप लोगों से डाउनलोड हो जाएगा। तो सभी बच्चे लेट ना करते हुए फटाफट अपना डिटेल देखिए, सर्च करिए कि आपको कब जाना है वेरिफिकेशन कराने, और जिनको आज का डेट मिला है वो बच्चे तत्काल आज ही चले जाएं, नहीं तो फिर वहां पे दिक्कत हो सकता है। वैसे कल भी जाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी जिनका जो डेट मिला है उसी डेट में वेरिफिकेशन कराने जाएं तो ज्यादा अच्छा है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाकी हम लोग कल फिर आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि फीस पेमेंट करने के बाद आगे आपको क्या करना होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जितने बच्चे एग्रीकल्चर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उन बच्चों तक शेयर करिए, उनको भी बताइए कि वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो साइट है उसे कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ओपन कर चुका है, आप लोगों से ओपन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है रीजन मैं आप लोग को बता चुका हूं, आप लोग भी ओपन करिए।